हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू बिबास द्वार। मैं हूँ वैशाखी। कैसे हो आप सब? आज मैं करने जा रही हूँ ये एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक। ये आप कहीं छोटी मोटी पूजा में, कहीं पर भी जाना हो, कहीं पर भी आउटिंग हो, आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। चलिए देखते हैं मैं ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया हूँ। ये डे टाइम मेकअप लुक है, तो इसके लिए मैं पहले सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। और ये मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है न्यूट्रीजीना की। ये बहुत ही अच्छा एक सनस्क्रीन है। आपके पास जो कोई भी सनस्क्रीन हो वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। ये है 322 फिटमी फाउंडेशन की तरफ से, और ये थोड़ी सी इसकी अंडरटोन ऑरेंजी है, तो इसके लिए मैं कोई भी कलर करेक्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मेरे पिगमेंटेशन को बहुत ही अच्छे से कलर करेक्ट भी करता है, क्योंकि इसके अंडरटोन ऑरेंजेस है। थोड़ी सी टैन हो गई हूँ, तो इसके लिए ये फाउंडेशन अभी मेरे परफेक्ट फाउंडेशन हो गया है। बहुत ही अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप जितना अच्छा ब्लेंड करोगे आपके बेस मेकअप उतना ही फ्लॉलेस दिखेगा। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये पैक की तरफ से एक कंसीलर। कंसीलर यूज करने से आपके फेस में जहाँ पे भी थोड़ी सी और कवरेज की ज़रूरत है वो ये कंसीलर कवर कर देता है लिप्स के एरिया पे। और मेरी अंडर आई पे मैं ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, और कंसीलर आपकी फेस को बहुत ही फ्लॉलेस बनाता है। इसके बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फेस मेकअप की एक ही ट्रिक है, वो है ब्लेंडिंग। अब जितना अच्छा ब्लेंडिंग करोगे उतना ही अच्छा आपको मेकअप क्रिएट होगा। वेट एंड वाइल्ड की तरफ से कंटूरिंग पैलेट लूंगी, और इसमें जो ये योलो पाउडर है इसको मैं अंडर आई पे और जहाँ जहाँ पे भी मैं कंसीलर यूज़ किया है वहाँ वहाँ पर भी लगा दूंगी, जैसे कि ये मेरे कंसीलर वाले एरिया को और भी ब्राइटन अप कर देता है। फिर मैं इस पाउडर को पैट पैट करके लगा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं इसको डस्ट आउट कर दूंगी। मैं बाकी फेस को लॉरियल की मैट मैजिक पाउडर से अच्छे से पाउडरिंग कर लूंगी, क्योंकि गर्मी में पाउडर करना बहुत ही ज़रूरी है कि फेस को बिल्कुल भी केकी होने नहीं देता है। अभी आपको मेरे फेस वाइटिश वाइटिश लगेगा, बट बाद में ये ठीक हो जाएगा, अब देखना। इसके बाद मैं वही कंटूरिंग पैलेट से कंटूरिंग वाला शेड लेके मैं हल्का सा कंटूर भी कर लूंगी। इसके बाद मैं एक ब्लश लगाऊंगी। ये मेबलिन का एक ब्लश है, तो मैं इसके बाद ब्लश अप्लाई करूंगी। ये हल्का सा पिंक टोन कलर की ब्लश है। उसके बाद मेरे फेस में जो भी एक्सेस पाउडर थे वो मैं अच्छे से उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। इसके बाद मैं आई मेकअप की तरफ जाती हूँ। मैं ये स्विस ब्यूटी की मिनी आई शेडो पैलेट यूज़ की है। इस वाले आई शेडो पैलेट से एक ट्रांजिशन वाला शेड लेके मेरे पूरे आईलिड पे ये ट्रांजिशन वाला शेड को अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि ये एक डे टाइम मेकअप लुक है, तो मैं आईज में ज़्यादा भड़कीला चमकीला कलर नहीं दूंगी। मैं बहुत ही सटल सा कलर आई में दूंगी। इसके बाद मैं ये शेड लेके मेरे क्रीज एरिया को भी थोड़ा सा और ज़्यादा डिफाइन करूंगी।
उसके बाद मैं ये पिंकी सा सिमरी सेट लेके पूरे आईलिड की मिडिल पे ये पिंक सा सिमरी सेट लगा लूंगी और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से मैं फिर से मेरे क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेम आई शेडो को लेके मैं मेरे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। पहले मैं वो डीप मैजेंटा सा कलर लेके मैं अंडर आई पे लगा रही हूँ। अंडर आई के आउटर कॉर्नर से लेके मिडिल तक लगाऊंगी। उसके बाद मैं ये पिंकी सा सिमरी सेट लेके इनर वीस पे लगाऊंगी। हल्का सा विंग वाला एक लाइनर लुक करूंगी। इसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी। मेबेलिन का मस्कारा मैं लगाऊंगी। मस्कारा की 3-4 कोट लगाऊंगी। आप अगर आई पे कोई भी मेकअप ना करो और थोड़ा सा मस्कारा लगाओ तो आपके आईज बहुत ही सुंदर दिखता है। और मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ मेरे इनर कॉर्नर ऑफ आईज पे, मेरे नोज पे, मेरे क्यूपिड्स पू पे, जहाँ जहाँ पर भी हाइलाइटर ज़रूरी है वहाँ वहाँ पर भी मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। बाद में मेरे आईब्रो को भी फिलअप कर लूंगी। इसके बाद एक जरूरी स्टेप वो है सेटिंग स्प्रे। आप गर्मी में जरूर सेटिंग स्प्रे यूज करना। सेटिंग स्प्रे यूज करने से आपके मेकअप बहुत ही अच्छे से रहेगा। आप जितनी देर तक इस मेकअप को चाहते हो वो मेकअप जरूर रहेगा। ये सेटिंग्स पे आप ज़रूर यूज़ करें। अब मैं लगा रही हूँ ये रेड लिपस्टिक। ये लिपस्टिक मेबेलिन का है। मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अब ज़रूर चेक कर लेना। और फ्रेंड्स, ये रही मेरी फाइनल मेकअप लुक। तो कैसा लगा आपको ये एवरीडे सॉर्ट ऑफ मेकअप लुक, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करो। आप शेयर नहीं कर रहे हो, प्लीज़ यार शेयर तो कर दो। और एक लाइक ज़रूर करना, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।